नमस्कार, सुप्रभात। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पहली वीडियो में जैसा आप लोगों से कहा था, मैं अपने कुछ ऐसे दिव्यांग साथी भाई बहनों को अपनी चैनल पे लाऊंगा जिन्होंने लाइफ में सक्सेस पाया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सक्सेस का मतलब सभी को पता है कि क्या होता है। सक्सेस का मतलब होता है कि लोग आपको पहचाने जाने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोग पूरे नेशनल लेवल पर नहीं जानते पहचानते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। हमारे ऐसे ही कुछ साथी हमारे साथ हैं जिन्होंने दिव्यांगता होते हुए भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। आज वो अच्छी पोजीशन पे हैं, आज वो इस पोजीशन पे हैं कि अपने घर वालों को अच्छे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं, और खुद के लिए भी अपनी लाइफ को सुगम बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ जो दो साथी हैं हमारे, उनका नाम है सुशील कुमार और सनोज कुमार। ये दोनों बहुत ही अच्छी MNC में जॉब कर रहे हैं और अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं उन्हीं के मुँह से, उनके जुबानी, उनका बचपन कैसा था, अभी वो क्या कर रहे हैं, और इसके बाद ढेर सारी हम लोग बातें करेंगे ताकि हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ये समझ में आए कि दिव्यांगता होते हुए भी सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है। सो फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं, पहले सनोज जी से बात करते हैं। सनोज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप थोड़ा हमारे जो साथी हैं उनको अपने बारे में बताएं और थोड़ा उनको गाइड करें कि कैसे आपने सक्सेस पाया और क्या क्या आपने किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जी नमस्कार साथियों, मेरा नाम सनोज कुमार सिंह है और मैं जन्म से दिव्यांग नहीं हूँ। मैंने एक नॉर्मल लाइफ जिया है, जो कि ग्रेजुएशन मैंने नॉर्मल तरीके से ग्रेजुएशन पास आउट किया। पास आउट करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में मैं काम करता था, जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ, और उसके बाद मैं 3 साल तक कंटिन्यू हॉस्पिटल में ही रहा। उस और हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद मैं ट्राई करता रहा कई कंपनियों में, कई बार निराशा हाथ मिली, जॉब नहीं मिली। फिर पैंडमिक के समय में मुझे एक डोमेस्टिक कंपनी में जॉब मिली, जहां पे मैं 1 साल तक काम किया, और काम के दौरान ही मैंने अलग जगह, मतलब दूसरे जगह पर भी ट्राई करता रहा जॉब के लिए। फिर मुझे एक MNC कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला, मैंने इंटरव्यू क्लियर किया, और उसके बाद 3 महीने तक मुझे बोला गया था कि वर्क फ्रॉम होम रहेगा, उसके बाद ऑफिस आना पड़ेगा। लेकिन देन उसके बाद मेरी एलिजिबिलिटी एंड वर्क परफॉर्मेंस को देखते हुए और मेरे कंडीशन को देखते हुए परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दिया गया। जी थैंक यू सनोज जी, थैंक यू इंट्रोडक्शन के लिए। सो फ्रेंड्स, आइए आप जानते हैं सुशील के उनके बारे में क्या वो बोल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुशील कुमार हुआ, मैं झारखंड से हूँ। मेरा जो ये प्रॉब्लम है, मैं जब 1.5 साल का था तब से ये प्रॉब्लम हुआ है। मेरा ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप इशू है, राइट लेग में 60% डिजेबिलिटी है। जब मेरा ये प्रॉब्लम हुआ था उसमें काफ़ी जगह मुझे ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए, बट कहीं भी अच्छा से सुधार नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, इतना कैपेबल थे कि सारा काम खुद से ही कर लेना, ठीक है, और नॉर्मल लोग के साथ कम्पीट करना, उस खेल में आगे रहना, मतलब हर फील्ड में जो नॉर्मल लोग कर सकते थे हम कैपेबल थे कि हम उससे एक कदम आगे ही रहते थे। ऐसा नहीं होता था कि कोई भी नॉर्मल लोग से हम पीछे रहते थे, चाहे क्रिकेट हो, चाहे चेस हो, चाहे कोई भी गेम हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, उनसे आगे ही रहते थे। हाँ, उसके बाद मैंने 10th किया, 12th किया, कहीं भी मुझे चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा अपने हैंडीकैप को लेकर के। और 10th के बाद जब 12th मेरा कंप्लीट हुआ, 12th के बाद मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। जब मैं डिप्लोमा कर रहा था उस समय हमारे जो कैंपस था, कैंपस में एक ट्रायल आया हुआ था जो कि हैंडीकैप्ड क्रिकेट टीम का था, तो वहाँ पे मैं गया ट्रायल देने। ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं हैंडीकैप्ड क्रिकेट टीम की तरफ से भी स्टेट लेवल में खेला हूँ। और उसके बाद फिर मुझे वहाँ क्रिकेट में स्कोप नहीं दिखा, उसके बाद क्रिकेट मैंने छोड़ दिया। तो मेरे एक कलीग थे, उसके बाद मुझे पता चला कि एक कुछ NGO होते हैं जिनके थ्रू ट्रेनिंग वगैरह चलता है, क्लासेस, तो एक NGO में जुड़े। वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद ऐसा कुछ रिस्पांस नहीं मिला NGO से कि कॉल वगैरह आना इंटरव्यू के लिए या कोई कंपनी में करना। फिर मैंने एक दूसरा NGO था, दूसरा NGO में मैं जुड़ा। वहाँ के एक ट्रेनर थे जो अभी भी मेरे साथ वो कनेक्ट में हैं, तो उस NGO के थ्रू भी कोई मेरे पास रिस्पांस नहीं आया। लेकिन हाँ, जो मेरे ट्रेनर थे उनके साथ मेरा इतना
बॉन्डिंग बन गया कि कभी भी मतलब वो उस ऑर्गेनाइजेशन को वो छोड़ दिए थे जहाँ से वो ट्रेनिंग हमको प्रोवाइड किए थे। वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद उनको कभी भी अगर इन्फॉर्मेशन उनको मिलता था कि हाँ अगर यहाँ पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है तो सुशील एक बार ट्राई करो, इसमें अप्लाई करो। तो मेरा जो फर्स्ट जॉब लगा था ना, उस समय बीटेक मेरा कंप्लीट हम कर लिया था, डिप्लोमा के बाद मैंने बीटेक कंप्लीट किया था। बीटेक करने के बाद कुछ दिन मैं अपना खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया था। चलाने के बाद इंस्टीट्यूट उतना सक्सेस नहीं कर पाया तो इंस्टीट्यूट मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैं मतलब कुछ नहीं कर रहा था, इंस्टीट्यूट मेरा बंद हो गया था। तो सर का मेरे पास कॉल आया था कि सर एक मतलब सुशील एक रांची में कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी थी, यहाँ पे बीपीओ कंपनी है, जाकर एक बार इंटरव्यू दो। तो वहाँ पे गए इंटरव्यू देने, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत ही कम सैलरी मिल रहा, जिससे मतलब सिर्फ अपना गुजारा हम चला सकते थे। तो उनके कहने पे, सर के कहने पे वो कंपनी में मैंने ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम, कि सुशील अभी देखो स्टार्टिंग है तो बस एज अ एक्सपीरियंस पर्पस तुम ज्वाइन कर लो। तो सर के कहने पे मैं वो कंपनी ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं तकरीबन 4 या 5 महीना उस कंपनी में मैंने काम किया। काम करने के बाद एक हॉस्टल है हमारे धनबाद में, मैं बेसिकली धनबाद से हूँ, तो एक हॉस्टल है हमारे धनबाद में। तो धनबाद में एक टीचर का वैकेंसी आया हुआ था, तो उस टाइम भी मैंने सर को बोला कि सर एक टीचर का वैकेंसी आया हुआ है तो एक बार हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो उस समय भी सर का ही ये डायरेक्शन होता था कि हाँ एक बार अगर यहाँ से अच्छा सैलरी है तो भाई एक बार ट्राई करो। तो मैं ट्रायल दिया टीचर का, तो वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो मैं 4 मंथ में ही ये जो बीपीओ कंपनी था रांची में वो मैं छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब हॉस्टल में तकरीबन मैं 6 मंथ तक वहाँ पे पढ़ाया, 6 मंथ में पढ़ाने के बाद फिर से दोबारा सर का ही कॉल आया था जो हमारे ट्रेनर थे। तो वो बोलते कि सुशील एक कंपनी है अभी, वो भी डोमेस्टिक कंपनी थी बट वो वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करती थी, तो उस कंपनी के लिए अप्लाई करो, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो वो सर हमारा जो करवाए थे सनोज सर के थ्रू ही करवाए थे, तो सनोज सर वहाँ पे उस कंपनी में और हम साथ में ही काम किए कुछ दिन। कुछ ही दिन हमारा ये सौभाग्य रहा कि इनके साथ हम काम कर पाए। मेरे साथ 2 मंथ हुआ होगा ज्वाइन किया हुआ, क्या सनोज सर 2 मंथ हुआ, 2 मंथ हुआ था। उसके बाद फिर सनोज सर का MNC कंपनी में हो गया और इनके जगह पे उस कंपनी में हम आ गए। तो तकरीबन उस कंपनी में ज्वाइन किया हुआ मेरा लगभग 1.5 साल हो गया, ठीक है। इस 1.5 साल में मैंने MNC के लिए अप्लाई करता रहा, लगभग 4 से 5 बार मेरा कभी किसी एग्ज़ाम के बाद क्लियर नहीं हो पा रहा था, कभी कुछ राउंड के बाद मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा एग्ज़ाम। तो बट मैं होप नहीं खोया और एग्ज़ाम लगातार मैं देता गया। तो ये चीज़ था कि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आता था, जैसे मान लीजिए MNC कंपनी का जो वैकेंसी रहा या और कोई कंपनी का जो वैकेंसी रहा, तो हमारे जो सर थे जिनके थ्रू हम ट्रेनिंग लिए थे वो हमें प्रोवाइड करते रहते थे। हाँ ये चीज़ था कि हमारा उनका एक बॉन्डिंग बन चुका था, अभी भी बना हुआ है उनके साथ बॉन्डिंग, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन होता है एक तरह से वो हमारे गार्जियन की तरह है, अभी भी गाइड करते हैं हमें। तो बस उन्होंने हमें लिंक प्रोवाइड किया था एग्जामिनेशन के लिए, मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम करने के बाद फाइनली मैं लगभग 6ठा अटैम्प्ट दिया था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया MNC कंपनी में ना। और अभी मैं इतना कैपेबल हूँ कि अपने खुद का जीवन यापन करने के साथ साथ अपना फैमिली को भी हैंडल कर रहा हूँ, सारा उनका खर्चा वगैरह उठाता हूँ, उसके साथ साथ मेरे पास इतना काफ़ी रहता है कि हम दूसरे को भी चला सके। तो थैंक यू, हम तो सर का वो कभी भी जो होता है अहदा या उनका कभी भी इतना जो हेल्पफुल रहे हैं हम लोग के प्रति वो कभी नहीं भूलेंगे। और थैंक यू सर इतना हेल्प करने के लिए। वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, आप कहीं भी हैं आपका आशीर्वाद सदा हमारे पास रहेगा और हमारा वेल विशेस भी आपके साथ रहेगा सर। थैंक यू सुशील, आपने हमारे जो दिव्यांग साथी भाई बहनों को ये सारा बहुत अच्छा आपने गाइडेंस दिया और बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आपने कैसे स्ट्रगल किया। सनोज जी ने बताया कि उनका स्ट्रगल कैसा रहा। सो फ्रेंड, जैसा सनोज जी ने आपको बताया कि वो बचपन से डिसेबल्ड नहीं थे, वो 2016 तक एज अ नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे थे। आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, एक जो बचपन से डिसेबल्ड होते हैं वो तो बचपन से डिसेबल्ड है तो वो अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करके चलते हैं, वो मान के चलते हैं कि हमें इसके साथ जीना है। लेकिन ऐसे लोग जो नॉर्मल होते हैं बाद में डिसेबल्ड हो जाते हैं,
उनकी लाइफ में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो बचपन से उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ के रखते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं वो लाइफ तो नॉर्मल जीते हैं। तो 2016 तक सनोज जी ने नॉर्मल लाइफ जिया, उसके बाद फिर डिसेबिलिटी हुई। डिसेबिलिटी होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी झेल रहे हैं। एक समय ऐसा आता है लाइफ में उस समय पे कि उनको लगता है कि लाइफ जीना नहीं चाहिए, लाइफ ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं सनोज जी जैसे लोगों को सलाम करता हूँ जो उस जगह से उठ कर के आए और आज इतने सक्सेसफुल हुए हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत सनोज जी से सक्सेसफुल होने का मंत्रा भी आपको मैं बता दूँ ताकि आप लोग उनसे थोड़ा सा इंस्पायर हो, उनसे बातें अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आकर के आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उनसे बात भी करवा दूँगा। फिलहाल सनोज जी से अभी बातें करते हैं उनके जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसके बारे में। सनोज जी, आप करेंटली जहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आपको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? क्या वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एज ए नॉर्मल एंड नॉर्मल बिहेवियर हर किसी का रहता है। वहाँ पे लोग ऐसा कहते हैं कि आप पीडब्ल्यूडी हैं या फिर आपको कुछ अलग तरीके से ट्रीट करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल बिहेवियर रहता है सभी का। क्या आपके कलीग्स आपके साथ मिसबिहेव करते हैं? जी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जो मिसकंसेप्शंस लोगों के मन में बना हुआ है कि डिसेबल्ड लोगों को लेकर के मिसबिहेव किया जाता है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके साथ पक्षपात होता है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है, ना ही सनोज जी को लगता है। सुशील जी, क्या आपके साथ में ऐसा होता है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और बाकायदा वहाँ पे पूरा सपोर्ट किया जाता है हमें, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कभी हम लोग को नेगलेक्ट किया गया है या कभी कुछ बोला गया है, कभी नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इन लोगों से बात करके आप लोगों को ये बातें क्यों बता रहा हूँ, मैं वैसे दिव्यांग साथी भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि डिसेबिलिटी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेना और ये सोच लेना कि हमारी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागेंगे, गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगी तो ही हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, तो ये गलत है। आप ये सोचिए कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब में कितनी प्रिपरेशन करनी होगी, लेकिन अगर यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में सक्सेसफुल होना है, अच्छी सैलरी पाना है, तो आपको क्या चाहिए? सनोज जी, आपसे उन लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था, उन लोगों ने आपसे क्या बोला कि आपके पास क्या होना चाहिए? स्किल होना चाहिए, वर्क परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने सुना, आपके पास स्किल होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्किल चाहिए होती है। सुशील जी, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, स्किल तो होना ही चाहिए प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए, साथ ही साथ आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए। हाँ, एक हम लोग का शुरू से ये धारणा है, मतलब इंडिया में खास कर ये, कि मतलब सरकारी नौकरी करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है ना कि प्राइवेट सेक्टर में जितना स्कोप है ना, सरकारी नौकरी में हाँ एक आपको अस्थाई नौकरी मिल जाएगा, बट एक निश्चित के बाद आपका सैलरी रुक जाएगा, स्टक कर जाएगा वहाँ पे, बट एक प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, हमेशा यहाँ पे आपका सैलरी इंक्रीज करते ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, जैसा आपने सुना, सुशील ने बताया कि यहाँ पे सैलरी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये बेसिक डिफरेंस होता है गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो जो सबसे ऊपर लेवल के अधिकारी बनेंगे आप, तो आपकी सैलरी अराउंड 2.5 लाख के आसपास जाएगी, उससे ज़्यादा जाएगी नहीं। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके आप बहुत ज़्यादा सैलरी कमा सकते हैं। अभी थोड़ा सा सैलरी के बारे में बात हुई है, तो हम सनोज जी से और सुशील जी से जान लेते हैं कि उनकी सैलरी क्या है और कैसी है। सनोज जी, थोड़ा अपनी सैलरी के बारे में। जो सैलरी इतना है कि मतलब 1 ईयर में एक 4-व्हीलर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने सुना, सनोज जी की सैलरी इतनी है कि वो 1 ईयर में एक 4-व्हीलर ले सकते हैं। सुशील जी की सैलरी क्या है वो भी जान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सैलरी हमारा वही है कि एक तो हम अपना खुद का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है वो पूरा कर सकते हैं, साथ ही साथ फैमिली का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं, और उसके अलावा जो हम लोग का एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है, जैसे मान लीजिए हमें अगर कुछ परचेस करना रहा, गाड़ी परचेस करना रहा या कुछ अलग परचेस करना रहा, तो बिल्कुल हम लोग वो कम्प्लीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने सुना, ये इनकी सैलरी इतनी है जितने में ये
अच्छे भरे पूरे परिवार को चला सकते हैं। अगर ये साल भर अपनी सैलरी को जमा करके रखे तो एक फोर व्हीलर ले सकते हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी सैलरी कितनी है हो सकती है। और कुछ कारणों से हम सैलरी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते फ्रेंड्स, और ना ही कंपनी का नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर यदि आपको ऐसी किसी कंपनी में जॉब करना है, जॉब करने की इच्छा है, आपके पास स्किल है और आपको लगता है कि आप सुटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए। वहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूंगा। और अगर यदि आपका कोई पर्सनल सवाल, कोई पर्सनल क्वेश्चन होगा सुशील जी से, सनोज जी से, तो वो सवाल भी मैं उन तक पहुँचा करके उनसे भी बातें करवा सकता हूँ। और अगर यदि इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो तो वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं। और भी कुछ जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि पैंडमिक के टाइम पे क्या इन्होंने किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे। सुनो जी, पैंडमिक जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे आपने क्या किया था? मैं घर से ही इंटरव्यू देता था कई कंपनी में जी। सो फ्रेंड्स, जब पैंडमिक स्टार्ट हुआ तो इन्होंने इंटरव्यू दिया। सनोज जी, ऑन एन एवरेज एक अगर हम औसत ले लेते हैं, तो आपने पैंडमिक के दौरान जब तक आपकी पहली जॉब नहीं लगी थी कितने इंटरव्यू दिए? अराउंड 25 to 30। सो फ्रेंड्स, 25 to 30, एक नॉर्मल बंदा भी 25 to 30 इंटरव्यू अगर देता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी काबिलियत पे ही शक हो जाता है कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं 25 से 30 बार इंटरव्यू दूँ, उसके बाद भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ, इसका मतलब कि मेरे अंदर कुछ कमी है। सो सनोज जी, आप इंटरव्यू सिर्फ घर से देते थे या कभी भी आप ऑफिस भी जा करके इंटरव्यू देते? नहीं, पेंडेमिक से पहले कई बार ऑफिस जा करके दिए, कई बार बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, बहुत सारे जगहों पर अकेले जा करके और इंटरव्यू फेस किया। सो फ्रेंड्स, आपने सुना ये ऑफिस भी जाते हैं। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये व्हीलचेयर यूज़र हैं, ये व्हीलचेयर पे बैठ के ही कहीं भी आना जाना करते हैं। व्हीलचेयर के अलावा ये ऐसे नॉर्मल डिसेबल्ड लोगों की तरह चल फिर नहीं पाते हैं। तो सोचिए फ्रेंड्स, बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि इस कैटेगरी में हो करके, इस तरह की परेशानी को झेल करके भी ये वहाँ जाते आते इंटरव्यू देते, उसके बाद इनको फर्स्ट जॉब मिली। और जहाँ तक मुझे अभी पता लगा है कि इन्होंने जब अपनी फर्स्ट जॉब कर रहे थे वहाँ पे इन्हें बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला था। सनोज जी, क्या मैं सही हूँ, आपको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला था? सो फ्रेंड्स, इनको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला था। और फ्रेंड्स, आपको पता है कोई भी आपको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड ऐसे ही नहीं देता है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात रही सनोज जी की, और थोड़ा सुशील जी के बारे में जानते हैं। सुशील जी, आपने पैंडेमिक में क्या किया? पैंडेमिक में हम बहुत सारा वर्क किए थे। जैसे पैंडेमिक में हमने खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया था, कोचिंग मैंने पढ़ाया। पैंडेमिक में मैंने खुद, मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाए थे, जो गरीब बच्चे थे उनको मैंने फ्री का भी एजुकेशन दिया। और उस समय मैंने ट्रेनिंग भी लिया था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, एनजीओ के अंदर में ट्रेनिंग लिया। फिर ट्रेनिंग के बाद जहाँ तक हो सकता था बच्चों लोग को ज़्यादातर सिखाने की कोशिश करते थे, और यूट्यूब के माध्यम से, और मान लीजिए कोई वेबसाइट के माध्यम से जहाँ पे फ्री में, या यूट्यूब में भी बहुत सारा ऐसा कोर्स होता था जहाँ से मैं कुछ ना कुछ सीखने का हमेशा ट्राई करता था। सुशील जी की बातों से एक बात तो क्लियर हो रही है कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि आप सीखते रहेंगे तो आपके अंदर नई नई स्किल डेवलप हो जाएगी, नए नए स्किल डेवलप होगी तो आपको मौके ज़्यादा मिलेंगे। फ्रेंड्स, सनोज जी की जो जॉब लगी थी वो किस स्किल पे लगी थी वो भी आप जान लीजिए, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो कि आपको क्या स्किल्स। सनोज जी, आपको किस स्किल के बेसिस पे जॉब मिली थी? कॉमर्स नॉलेज, अकाउंट्स नॉलेज, अकाउंट्स। सो फ्रेंड्स, कॉमर्स नॉलेज, अकाउंट्स नॉलेज और एक्सेल की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको। क्या एक्सेल भी आपने सीखा था? जी। सो फ्रेंड्स, एक्सेल जो इन्होंने सीखा था, अकाउंट्स का इनका नॉलेज था, उसके बेसिस पे अभी ये जॉब कर रहे हैं, एक एमएनसी में जॉब कर रहे हैं। सुशील जी, आपको किस स्किल्स पे जॉब मिली थी, ताकि हमारे दिव्यांग साथी भी ये समझ सके कि उनको क्या स्किल डेवलप करना है? बिल्कुल, स्किल का माध्यम है हमारा, एक तो हम एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किए थे, साथ ही साथ टेक्निकल मेरा बैकग्राउंड है। जैसे मैंने बीटेक किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, ये मुझे काफ़ी हेल्प किया एमएनसीज में जॉब लेने के लिए।
तो फ्रेंड्स, आपने सुन लिया, सुशील जी भी वही बता रहे हैं जो सनोज जी बता रहे हैं कि आपको स्किल डेवलप करना है। सुशील जी बता रहे हैं कि उनका जो कम्युनिकेशन स्किल था वो उन्होंने डेवलप किया बहुत अच्छे से। कैसे? तो उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग दिया, बच्चों को पढ़ाया, गरीब बच्चों की हेल्प की, उसके बाद उन्होंने अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया और उन्होंने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग ली वहाँ पर वो कनेक्टेड रहे, अपने ट्रेनर के साथ कनेक्टेड रहे। आप फ्रेंड्स, यही होता है कि आप ट्रेनिंग जब लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तो तुरंत में निराश मत हो जाइए, थोड़ा वेट कीजिए। जैसे ये लोग सक्सेसफुल हुए हैं, आपको भी मौके मिलेंगे, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में परेशानी सभी की है, परेशानी हर किसी को होता है, लेकिन अपनी परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, आपको अपनी परेशानी से लड़ना चाहिए। आप अपनी परेशानी से लड़ेंगे तभी आपको आगे जा कर के मौके मिलेंगे। फ्रेंड्स, और भी कुछ बातें हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उनके घर में कैसा सपोर्ट उनको मिला था। सनोज जी, आपको आपके घर में कैसा सपोर्ट मिलता है? फैमिली की तरह सभी कोई अपने जैसे हैं और सभी कोई बहुत सपोर्ट किए। मैं आज 7 साल से ये लाइफ को सरवाइव कर रहा हूँ, 7 साल में पूरे परिवार वाले अपने साथ ही रहते हैं। आज भी कई सारे परेशानियाँ होते हैं लेकिन यही लोग देख रेख सब कुछ करते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत बार होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है, लेकिन इनकी फैमिली सपोर्ट की है और तभी जा करके ये आज सक्सेसफुल हुए हैं। सुशील, आपकी फैमिली का क्या? बिल्कुल, फैमिली तो बिल्कुल हमारे सपोर्ट करते हैं और मेरे पापा की तरफ से या हमारे जो भी फैमिली मेम्बर है उनके तरफ से कभी भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोका गया है। हाँ, मतलब मुझे सिर्फ बोलने का देर होता था कि हाँ पापा मुझे ये करना है, कभी पापा नहीं बोले कि हाँ ठीक है क्यों करना चाहता है या क्या फ़ायदा होगा इससे, कभी नहीं। हाँ ठीक है, तुमको अगर करने का मन है करो, तुमको ज़्यादा नॉलेज होगा इसके बारे में तो कर सकता है। तो कभी भी मेरे फैमिली की तरफ से या मेरे भैया या पापा की तरफ से कभी कुछ किसी चीज़ के लिए नहीं रोका गया। सो फ्रेंड्स, फैमिली सपोर्ट चाहिए, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो क्या करना चाहिए? अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो देखिए, सबसे पहले तो आपको फैमिली को बताना पड़ेगा, चाहे अगर पापा आपके मना करते हैं या कोई भी किसी कारण से अगर मना करते हैं तो सबसे पहले उनको अवेयर कराइए कि हाँ ये किस बेनिफिट के लिए मुझे करना है ना। अगर आप उनको पर्पस नहीं बताइएगा तो नहीं पता चलेगा उनको कि हाँ क्या पर्पस है। नहीं तो इससे अच्छा है कि आप उनको अवेयर कराइए कि हाँ मुझे ये फ़ायदा करेगा आगे चल करके, इसलिए मुझे ये काम करना है। तो डेफिनेटली है कि कभी भी आपके पापा या मम्मी कभी आपका गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि सबसे पहला उनका माइंड में यही आता है कि मेरा बच्चा को हम क्या ऐसा करें कि उनको बेनिफिट हो। तो ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि आपके मम्मी पापा कभी भी आपके अगेंस्ट जाएंगे या आपको कभी वो किसी चीज़ से रोकते हैं। हाँ रोकेंगे, अगर वो देखें कि नहीं मेरा बच्चा अगर गलत कर रहा है या ये किसी गलत ट्रैक पर जा रहा है तो बिल्कुल आपको रोकेंगे और उनका हक बनता है। ठीक है, तो इससे अच्छा ये है कि आप उनको अवेयर कराइए कि हमको ये बेनिफिट होगा आगे चल करके तो हमको ये काम करना है, तो बिल्कुल आपको वो एग्री करेंगे आपको वो काम करने के लिए। सनोज जी, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, अगर उन्हें लगेगा कि हाँ जो चीज़ वो कर रहा है या जो पढ़ाई कर रहा है इससे आगे फायदा होगी या इससे हमारे परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग मिलेगा तो ज़रूर इस चीज़ में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। उन्हें यह समझाना होगा कि कल को चल के हमारा कौन है, अगर हम कुछ आगे सक्सेस भी कर जाते हैं तो इसी परिवार को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये आपने सुना, आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में ही रहती है। हो सकता है कि उनके कुछ डिसीजन आपको लगे कि वो गलत है, लेकिन वो आपको सपोर्ट ही करती है। सो फ्रेंड्स, आपको फैमिली सपोर्ट लेके चलना होगा। सुशील, आप हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अगर डिसेबल्ड है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो डिसेबल्ड हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में निराश हो चुके हैं, उन्हें कुछ जॉब नहीं मिल रही है, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वैसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे कुछ बात ऐसा बोलना चाहूँगा कि आज के टाइम पे अगर कोई बोलते ना कि जॉब नहीं है या मुझे जॉब नहीं मिल पाया था, तो सबसे पहले उनको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि हाँ हम उसके लायक कैपेबल हैं या नहीं है। ठीक है, कि मुझे अगर वो जॉब मिलेगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा पाएंगे या नहीं, या हम उसके लायक हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि आप सबसे पहले कोई भी कंपनी आपको क्यों लेगी, आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है तभी वो कंपनी लेगी। अगर मान लीजिए कि आप ही अगर किसी को हायर करना चाहेंगे तो एक बच्चा को आप कभी नहीं लीजिएगा किसी भी काम के लिए। मान लीजिए कि अगर एक ग्लास भी आपको बोला जाए कि ये ग्लास का
बंडल है या ग्लास का बंडल आपके दुकान में जाकर पहुंचाना है, तो आप 2 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा को लेकर के आप बोलिए कि ये ग्लास का बंडल आप पहुंचा दीजिए, तो ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि वो नहीं समझेगा। सेम उसी तरह है कि आपको अच्छे से समझना है हर चीज़ और स्किल डेवलप करना है, तो बिल्कुल आपको मतलब जो कंपनी है ना वो खोज रही है कि एम्प्लॉय कहाँ से ले, तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल है, तो बिल्कुल कंपनी आपको हायर करेगी। तो सुशील जी, सनोज जी, इस चीज़ पे आपका क्या राय है? देखिए, कई चीज़ें होती हैं, जैसे कई लोग होते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, 10वीं पास या उससे कम के होते हैं, तो वो अपने व्यवसाय, कई सारी स्कीम गवर्नमेंट के थ्रू भी चल रही है जिसके थ्रू आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या जो दिव्यांग लड़कियां हैं वो सिलाई कढ़ाई या बुनाई सीख करके उससे भी अपना कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जॉब से ही करे, कई सारे माध्यम है, बस लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आज के टाइम पे अगर बोला जाए कि स्किल सीखना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो सबसे बड़ा बुड़बक होगा आज के टाइम पे। रीज़न ये है कि हमारे पास सबसे अच्छा माध्यम है यूट्यूब। यूट्यूब पे सारा कुछ अवेलेबल है, NGOs भी काफ़ी ऐसे हैं कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, यूट्यूब में आप हर एक चीज़ फ्री में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। थैंक यू सुशील जी, थैंक यू सनोज जी, आपने ऐड किया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पे कुल मिलाकर के बात ये हो जा रही है कि स्किल डेवलप आपको करना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो भी, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो भी, क्योंकि आपको पता है अगर टाइपिंग पोस्ट के लिए आप जाते हैं तो आपके पास टाइपिंग स्किल होनी चाहिए। उसी तरह के प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए फ्रेंड्स कोई बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है, अगर यदि आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपने किसी एक स्पेशलिटी में, आपके हाथ में स्पेशलिटी है, जैसे सनोज जी ने बताया उनकी स्पेशलिटी थी एक्सेल और कॉमर्स नॉलेज, सुशील जी ने बताया उनकी स्पेशलिटी है कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज, सो उसी तरीके से फ्रेंड्स आप लोग भी अपने स्किल को डेवलप करके जॉब पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इन दो लोगों से तो आपको मिलवा ही रहा हूँ, आने वाले समय में मैं ऐसे लोगों से आप लोगों को मिलवाता रहूँगा ताकि आप ये समझे कि दिव्यांग लोग भी सक्सेसफुल होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये बताया था आप लोगों को पहली वीडियो में भी और अभी बता रहा हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल दिव्यांग होते हैं उनको मानते हैं, जैसे कि दीपा मलिक मैडम, देवेंद्र झाझड़िया सर, प्रमोद भगत सर, ये लोग सक्सेसफुल हैं, नो डाउट सक्सेसफुल हैं, लेकिन इन्होंने भी अपने फील्ड में बहुत मेहनत करी है, उसके बाद ये सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन हमारे साथ जो दो साथी अभी बैठे हुए हैं, इनकी भी सक्सेस उनसे कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी अपने फील्ड में सक्सेस पाया है, आज भी एक कैपेबल हैं और सक्षम हैं कि अपने घर को चला सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बेहतर बना सकते हैं, अपने आने वाले कल को संवार सकते हैं, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, इनकी जो बेसिक नीड्स है, मेडिकल की नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स सारी पूरी कर सकते हैं, ये घर को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जो इनके फ्रेंड्स हैं वो भी इंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा और जानते हैं इनके फ्रेंड सर्कल के बारे में। सनोज जी, थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में बताइएगा। जी, फ्रेंड सर्कल भी अच्छे हैं, दो दोस्त हैं, दोनों लोग आते रहते हैं शाम को बैठना, और जो भी नीड पड़ती है साथ में आना जाना भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल भी जरूरी है सनोज जी के हिसाब से, सुशील जी आपके हिसाब से क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेंड सर्कल तो बहुत ज़रूरी होता है। मेरे तो फ्रेंड काफ़ी बढ़िया है, मतलब हर एक चीज़ में वो सपोर्ट करते हैं। एक तरह से मैं मतलब काफ़ी लकी हूँ, मतलब अगर मैं कहीं ट्रेनिंग किया हूँ या मैं कहीं से कुछ स्किल सीखा हूँ, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके हो या मैं कहीं काम किया हूँ, तो मेरे आसपास मेरे जो ट्रेनर होते हैं, मेरे जो कलीग होते हैं, मेरे जो दोस्त होते हैं, या मेरे उनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है, तो मैं काफ़ी लकी हूँ कि उनका मेरे साथ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सो फ्रेंड्स, आपने सुन लिया सनोज जी के विचार, सुशील जी के विचार, इनके विचार क्या हैं, ये कहाँ पे हैं, इन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया और अभी वो कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो से मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, सक्सेस का कोई पैमाना नहीं होता है। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों और ढेर सारे लोग आपको जानें। सक्सेस का मतलब ये होता है कि आप अपने घर परिवार के लिए कुछ कर सके, आप अपने घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सके और आप अपने लाइफ में उस मुकाम पे हों जहाँ पे आपको
जो ज़रूरत है वो आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। सो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोगों को ये वीडियो मोटिवेटेड लगेगी और आप लोगों को एक अच्छा मैसेज मिलेगा, मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। और अगर यदि सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। मैं सर का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है ना, इसके माध्यम से काफ़ी जो विकलांग लोग हैं, हैंडीकैप्ड लोग हैं, उन लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलता है। थैंक यू सर। और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये अपलोड करते हैं और काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं और काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है, बहुत ही सच्चा इंसान है। और इसलिए मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बिल्कुल इनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी ज़रूरतमंद हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको तक ये मैसेज पहुँचे। और हर एक वीडियो जो ये अपलोड करते हैं वो रिलेटेड होता है हैंडीकैप्ड लोगों से, और हमेशा इनका यही मोटिव होता है कि कैसे हम दूसरे को हेल्प करें और कैसे उनको आगे तक ले जाएं। तो इनमें जो हम ये काबिलियत देखे हैं वो हमको नहीं लगता है कि और किसी शख्स में हम देखें, तो ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सुशील जी, थैंक यू इंटरप्ट करके आपको बताने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुशील जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। वीडियो अगर लंबी हो गई हो फ्रेंड्स, तो भी आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड तक देखने पे ही आपको इसमें क्या वीडियो में है, कैसे लोग सक्सेसफुल हुए हैं, वो सारा कुछ पता चलेगा। सनोज जी, आप कुछ क्लोजिंग्स में कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाएं, उन्हें बताएं कि सक्सेस वही होता है जो बार बार अनसक्सेस होता है, तो कोशिश करना कभी भी ना छोड़े, कोशिश करते रहें, बिल्कुल मेरी तरह। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सनोज जी का साफ मैसेज है कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद ही बनाना है। जितनी बार आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक एक सीढ़ी बनाते जा रहे हैं, और जिस दिन आपकी सीढ़ी पूरी हो जाएगी उस दिन आप सीधे आसमान की ओर उड़ चलेंगे। इसी उम्मीद के साथ में फ्रेंड्स, कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर यदि आप किसी भी ऐसे दिव्यांग साथी भाई बहन को जानते हैं जिनकी सक्सेसफुल स्टोरी मेरे चैनल पे आनी चाहिए या लोगों को पता होनी चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उन तक पहुँचूंगा, उनकी स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।